नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव प्रसाद सिंह की लिखी कहानी कर्मनाशा की हार। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ाए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नहीं डी वालों को इसका कोई खौफ ना था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। दो चार दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठे होते और कजली सावन की ताल पर ढोलके उनकने लगती। गांव के दुदमुहे तक ई बाड़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डी से जा टकराया तो ढोलके बह चली। गीत की कड़ियां मुरझाकर होठों पर पपड़ी की तरह छा गई। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की, पांच पकड़ों की दोरी भेंट हुई, किंतु बड़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। नई डी वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीता, पिछले घाव सूखे ना थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छाँव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिचान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डी के वातावरण में होलदिली छा गई। गांव ऊंचे अरार पर बसा था जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ ना थी, प्रलय का संदेश था। नई डी के लोग चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह भैंसे दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। कल दीनापुर में कड़ा चढ़ा था पांडे जी, इंसुर भगत हकलाते हुए बोला। कुएं की जगह से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कह रहे थे भगत, कड़ा चढ़ा था? अरे क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुबलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण भाई लोगों, काशीनाथ की शरण। सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि तीन घड़े भर जाएंगे, आदमी मवेशी की छह होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, परलय होगी परलय। है पर लेना होगी तो क्या बरकत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा ही कि नहीं, तब क्या बचेगा? माथे के लुग्गे को ठीक करती हुई धनेसरा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है? राम रे राम, कुतिया ने पाप किया, गांव के सिर बीता, उसकी मौसी कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, आग लगे ऐसी कोख में, तीन दिन की बिटिया और पेट में ऐसी घनघोर दाढ़ी। कुछ साफ भी कहोगी भोजी, बीच में जगेसर पांडे बोल पड़े, क्या हुआ आखिर? हुआ क्या, फुलमतिया रांड मेमला लेके बैठी है, विधवा लड़की बेटा ब्याकर सुहागिन बनी है। कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए।
आगत भय से सबकी सांसें टंगी रह गई। तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात है, 3 दिन से सोरों में बैठी है। डायन, पाप को छाती से चिपकाए है, यह भी ना हुआ कि गर्दन मरोड़ कर गड़े गुच्ची में डाल दे। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की ओर बढ़ चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नई डी का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह उपचुप करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बकरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले आ रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। विचित्र दृश्य है। पांडे ना जाने क्यों बुदबुदाए, फिर मिट्टी की बनी पुरानी बकरी की ओर देखा। पांडे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा इकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है यह बकरी, भाग की लेख कौन टारे। 2 पुस्तकें अंदर ही सभी कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्ना लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैरों से पंगू भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय नीरव लम खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दुदमुहे भाई की देखरेख, रहने के लिए बकरी जिसे पिछली बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है। अब यह भी ना बचेगी, पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गई। वर्षा का पानी पसीस कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। विधवा फूलमतिया को बेटा हुआ है। बेटा, अरे ओ बेटा, इस कुतिया के पाप से गांव तबाह हो रहा है। राम राम राम, ऐसा पाप। भैरव पांडे के कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल ना सकी और वे धम से चौखट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कोहनी छिल गई। चिनचिनाती कोहनी का दर्द उनके रोए रोए में बिंध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ हो गया, वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी उस जर्जर बकरी को हड़पने नहीं, उनके पिता में की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है, जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर पड़ी रही। मैं जानता था कि वे छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरव की मां की छाया तैरती नजर आती। उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते, इस पर भैरव पांडे के दादा की लोछार पड़ी है। पांडे हो हो कर हंस पड़ते। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरे आंख में 100 कुंडू चालू, हर रामी कहीं का लड़के पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ तो इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लोछार पड़ेगी मुखिया जी, दादा के पास तो 5 पछाही गायें थी, एक से बढ़कर एक। 2 धन धूले तो 5 सेरी बाल्टी भर जाती थी। अरे यहाँ तो इस लोंडे को दूध पसता ही नहीं।
फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब वे पुराने जमाने की बात कहाँ रही पांडे जी, मुखिया कहता है और अपने संकेतों से शब्दों में मिर्चे की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नवजवान कुलदीप उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वे कुछ कह नहीं पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनोले निकालते, तुनमते सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पतरा देख देते, सत्यनारायण की कथा बाज देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। यह सब कुछ मर मर कर किया था इसी दिन को, पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, आज यहां आफत मची है, आप पता नहीं कहां भागकर छिपा है, राम जाने कैसा हो। सूखी आंखों से 2 बूंदे गिर पड़ी। अपने से तो कोर भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं, बैठ मरे हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम से बैठ गए, दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ाया था, काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी, कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदे बिखर जाती, दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराव हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चोरा था जो बरसात के पानी से कटकर खुरदरा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदे पुराने पौधे की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती, टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वे शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी, शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फुलमताई अपनी बाल्टी मांगने, सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। कुलदीप कुलदीप जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमत आंगन में इसी चोरे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वे उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक, तब ना जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे, वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चोरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। ना जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई, बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चोरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से सवार श्वेत बलोई माटी से पोतकर सफेद कर देती। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती, तब भी वे ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियो का जलना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया और फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में ना थी और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता, ना तो पहले जैसी जिद कर सकने को हिम्मत होती, ना हंसी के कलरव से घर के कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा, सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, दोनों को दुनिया का भावताव मालूम हो जाएगा। पांडे के रुख से फुलमत भी सशंक हो गई थी, वे इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नजर थी,
वह किताब खोलकर बैठता तो दिए की टैम में श्वेत वत्रों में लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती, पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एक टक दिए की लो की ओर ही देखता रह जाता। पांडे को उसकी ये दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप, एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह? तबीयत तो ठीक है ना? जी। इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और ना जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। ये टिमल मल्ला की विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने को क्यों तुली है? बाप मरा, पति मरा, अब ना जाने क्या करेगी, जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया है। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, ना पढ़ता है ना लिखता है, हंसना खेलना खाना सब भूल गया है। पांडे चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय ना कर सके। समय बीतता गया, कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के दो चार उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन कपास टक में बीत जाता। सुरती मलमल ताल ठोकने और पिच से थोक कर किसी को गाली देते या निंदा करते, इन सब चीजों से वास्ता ना रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता, हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल ले जाते। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे, अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ाया था, लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी, रक्त की तरह खोलता हुआ लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था, उसकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए। बगल की दीवार में ताके पर रामायण की गुटका रखी थी, उन्होंने उठाया, एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था, जब से वे गया है आज तक गुटका खुली नहीं। पांडे के हाथ कांपे, गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी, उठाकर खोला, वही लाल निशान। वह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनुहु विनह नम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। पांडे की आंखें भर भरा आई, झरझर आंसू गिरने लगे, हिचकी लेकर वे टूट पड़े। यह चुड़ैल मेरा घर खा गई, शब्द फूटे किंतु भीतर घुमक कर रह गए। गाली देने से ही क्या होगा अब, इतने तक तो रहता तो कोई बात थी, आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पांडे बड़बड़ाए, उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों से कसकर खींचा, जैसे इनकी जड़ में पीड़ा जम गई है, खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ ना सके, आंखों के सामने चिंगारियां फूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतने कमजोर हो गए हैं। कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने दुख को भुलाने में मदद की थी। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी। फागुन का आरंभ था, मुखिया जी की लड़की की शादी थी, गांव भर में खुशियां छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गांव वालों में बनने सवरने की होड़ लग गई, सब लोग पट्टी कटा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुल चौड़ी छुरे से बनी थी। कुएं की जगत पर दोपहर के 2 घंटे पहले से भीड़ लगी थी
और अब 2 बजने को आए। साबुन लग रही थी। पैरों में जमी मैल सिकड़े से रगड़ रगड़ कर छुड़ाई जा रही थी। बारात आई, द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। बनारस की रंडी नाचने आई थी। छैल छबीलों की भीड़ जम गई थी। शाम को महफिल जमी। मुखिया जी का दरवाजा आदमियों से खचाखच भरा था। एक और गली में सिमट कर औरतें बैठी हुई थी। गांव की लड़कियां, बूढ़ियां और कुछ मनचली बहुएं। बाई जी आई, अपना ताम झाम फैलाकर बैठ गई। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किन किन किया। बाई जी ने आलाप के बाद गाया, नीच ऊंच कुछ पूजत नाही, मैं हारी समझाओ। वे दोनों नैना बड़े बेदर्दी, दिल में गड़ी गयो खाव। महफिल से बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ों पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली थी, जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरह फैली चांदनी में एक प्रश्न उठा। मुखिया जी की महफिल में पतुरिया ने जो गीत गाया था कितना सही था। कौन सा गीत? ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी। थत, उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। मेरी माँ के सिर में दर्द था। कौन है? चोर की आवाज गूंज उठी। पास की गली में एक छाया खो गई थी। कौन है? फिर आवाज आई थी। मैं हूं कुलदीप। यहां क्या कर रहे हो? नदी की ओर चला गया था। इस समय? पेट में दर्द था। क्रोध की हालत में भी भैरव पांडे मुस्कुरा उठे थे। झूठे, पेट में दर्द था कि आंख में? कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। उसे लगा जैसे एक क्षण का यह भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। एक क्षण के लिए बोला हुआ यह झूठ उसके जीवन को झूठा साबित कर देगा। एक क्षण के लिए झुका यह माथा फिर कभी ना उठ सकेगा। वे झूठ के इस पर्दे को फाड़ डालना चाहता था, किंतु कुलदीप, भैरव पांडे ने आहिस्ते आहिस्ते कहा, तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादाओं की इज्जत के बारे में सोचा है? अरे, बड़े पुण्य के बाद इस घर में जन्म मिला है भाई। इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, किंतु इस अवसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई है, गर्दन को चीरती हुई। यदि वे निकल जाए तो भी गनीमत, किंतु ये असह्य पीड़ा तो नहीं सही जाती। फिर ना जाने वह क्यों हिचकियों से फूट फूट कर रो उठा था। भाई के मन की पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कष्टकर थी, किंतु उसकी आत्मा अपने संपूर्ण भाव से जिस वस्तु को वरण्य समझती है उसे वे एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। जिस छाया में ना जाने क्यों उसे एक अनजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कालिक कह सकना उसके वश की बात नहीं थी। और इस कष्ट के भार को उसकी आंखें संभाल न सकी। भैरव पांडे भी भाई से लिपट गए थे, उसकी पीठ सहला रहे थे और उसे बार बार चुप हो जाने को कह रहे थे। यदि कोई देख ले तो? उनके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक ओर चले गए। आंसुओं में जो पश्चाताप उमड़ता है वे दिल की कलोज को मांझ डालता है। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा, उनके वंश की मर्यादा अपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी। भूखो रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस बिरवे को खून से सींच कर तरोताजा रखा है उस पर किसी के व्यंग्य कुठार नहीं चलेंगे। किंतु एक महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। छोटे भाई के इस कार्य को छिपकर देखने की पापग्नि में भैरव पांडे अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वे विवश थे। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलाश के पेड़ों की आरक्त पाते, बीच में घुग्गू,
चारों ओर जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की दो पंक्तियां, सिर्फ दो। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चीरती दर्द भरी आवाज, एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, किंतु तुमको कभी नहीं, कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता, कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का ही प्रयत्न करते रहे? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता, यह विधवा ना होती। तुलसी चोरी की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वे आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विजड़ित खड़े थे, दिग्मूढ़। नहीं नहीं, यह असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके, कुलदीप। बड़ी कर्कश आवाज थी पांडे की, दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूं यह सब क्या है? पांडे चिल्लाए, इतने निर्लज हो तुम दोनों। पांडे बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? अरे क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वे स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रोध से बोले, अरे चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ दूंगी दादा? वे सहसा एकदम निचुड़ गई, मैंने तो इन्हें कई बार मना किया। कुलदीप, पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। चीन हाथों से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर ना लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया, हम दोनों पापी नीच। भैरव पांडे के हाथ की पांचों उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आई। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन नहीं, तू तो मेरी हत्या करने पर ही तुल गया है। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन, भाग नहीं तो तेरा गला घोटकर इसे पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते वे त्रिशित सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह फड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की खाक छानते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थक कर हार कर पांडे वापस आ गए। बाप दादा की इज्जत की प्रतीक इतनी विशाल बकरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत पुजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण पिंजर की तरह लगती थी यह बकरी।
चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा कराह उठी, चला गया, चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वे कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख की ओट नहीं होने दिया। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पांडे अधरों की मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न करते रहे। भोर होने में देर थी, उनींदी आंखें करवा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का मोल। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बंसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर ललछोहा उजास फूटने लगा था। गली के मोड़ के कच्चे मकान भीतर से जात की घरघर गूंज रही थी। एक घुमड़ता घरघराहट का स्वर, जिसके पीछे जांत वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कोंद उठती थी। मोहे जोगनी बना के कहां गई रे जोगिया। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे फूले भटके थके वे स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों। अब रोने चली है चुड़ैल, पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे। रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए थे। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी, वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने तीन चार लड़के अरहर की खूटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीला, पांडे भला चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। देखता नहीं लंगड़े, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए। जैसा बाप वैसा बेटा, तेरा बाप भी खूटियां गाड़कर कर्मनाशा की बाढ़ को रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले, नहीं जानते? फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सटकर बोला। क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? हाँ हाँ हाँ, पांडे आगे बढ़ा। बोतल की टीप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो अच्छा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चली थी पांडे के वंश में कालिक पोतने, अच्छा ही हुआ कि वे छोकरा भी आज यहाँ नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार हो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह उन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए, बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों ना दी जाए जिसने पाप किया। परसाल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा तो बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांस की तरह फुक्कार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस ना था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी ना हुआ था। अरे पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बिचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे, मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया, एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक विभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा, आगे बढ़े। फुलमत भैसे चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी।
उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वे अपने बच्चे बहू को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं ऐसा कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। ओह, तो यह है बूढ़े पांडे जी की बहू, मुखिया व्यंग्य से बोला। अब पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी, मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग आवाक पांडे को देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत प्रशस्त अटल कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्दत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थी। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, शिथिल थकी पराजित। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शिव प्रसाद सिंह की लिखी कहानी कर्मनाशा की हार। इस कहानी में लेखक ने समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया है। उन्होंने अपनी कहानी में दिखाया है कि गांव में आज भी किस प्रकार कुरीतियां प्रचलित हैं और समाज में विधवाओं की स्थिति कितनी नरकीय है। विधवाएं अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन नहीं जी सकती, उन्हें बहुत सी कुरीतियों को मानना पड़ता है। वे किसी से विवाह नहीं कर सकती, वे खुश नहीं रह सकती, उन्हें खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है, वे किसी से प्रेम नहीं कर सकती। लेखक ने अपनी कहानी में दिखाया है कि गांव में आज भी लोग बहुत से अंधविश्वासों को मानते हैं और उनकी आस्था है कि अगर वे किसी कुरीति को नहीं मानेंगे तो गांव में प्रलय आ जाएगी। इसी कारण वे विधवा को नदी में डालने की बात कहते हैं। कि गांव में जो बाढ़ आई है उसका कारण वे फूलमतिया को मानते हैं कि उसने विधवा होते हुए भी किसी से प्रेम किया और उसके बच्चे की माँ बन गई, इसी कारण गांव में बाढ़ आई है। और उसी बाढ़ के पानी को कम करने के लिए वे उस विधवा और उसके बच्चे को नदी में फेंकना चाहते हैं। उनकी आस्था है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बाढ़ का पानी नहीं हटेगा। उन्होंने दिखाया है कि गांव में आज भी शिक्षा के स्थान पर कर्मकांड और आडंबरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वहां के लोग आज भी पुरानी रूढ़िवादी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक किरदार के माध्यम से, जो है पांडे जी, जो कि वो भी रूढ़िवाद हैं, पुरानी रीति रिवाजों को मानते हैं, उसके बावजूद भी वह एक विचारशील युवक हैं जो सही गलत की परख रखते हैं। इसी के चलते वे विधवा को पानी में फेंकने के खिलाफ होते हैं और गांव वालों को ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वह बांध के पानी को रोकने के लिए बांधों को ठीक करने की बात कहते हैं, जिससे पता चलता है कि वह एक विचारशील पुरुष है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो कहानी का शीर्षक है कर्मनाशा की हार, वे पूरी तरह अपने नाम को सार्थक करती है और गांव और समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार करती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।